मैं आज जाऊंगी सिस्टर के शादी पे, निकल रहे हैं अभी। पहले से ही हर कोई पहुंच गए हैं, कल ही शादी आज है तो मैं जाऊंगी शादी अटेंड करने। तो मिलते हैं शादी पे। फिलहाल पहुंच गए जहाँ पे शादी है, वहाँ उस गांव तक नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पे एक रिलेटिव से दीदी लगते हैं तो उसके घर तक पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद शादी के घर पे जाऊंगी। तो शादी के घर पे पहुंचने के लिए देखो और भी दूर है रास्ता, और रास्ता का हालत देखो, धूल मिट्टी के साथ नहा के जाना पड़ेगा, मेकअप करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये अच्छा है। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जाऊंगी। रास्ते पे वीडियो बनाया नहीं मैंने क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, सामान भी था इसलिए। ओ यहाँ पे क्यूट सी बेबी। तो अभी निकल रहे हैं हम शादी के घर पे जाने के लिए। कॉल किया था तो सुना है कि शादी तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो पहुँचते पहुँचते देर हो गई, तो जाना तो है शादी ख़त्म होने से भी पहुँचना तो है, तो जा रही हूँ। चलो गलाया रोक सुना तो रही हूँ मैं हंस हंस के, लेकिन पता नहीं है कौन सी साइड पे होके जाना होगा शादी वाले घर पे, तो धुन धुन के जा रहे हैं। एकदम सी थकान लेके पहुँच गई हूँ जैसे तैसे शादी वाले घर पे। चलो अंदर चलते हैं, शादी चल रहा है, सुना है ख़त्म होने वाला है, पता नहीं ख़त्म हो चुका है या अभी भी कुछ बाकी है, तो जाके देखती हूँ। चलो आइए अंदर जाके देखते हैं।
को लाइक होने भी फने दिए से जाके तो मैं भाज दी इसे दे सबसे पहले मैरिड कपल के मम्मी पापा लोगों को ब्लेसिंग देना होता है, तो वो लोग अभी मैरिड कपल को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और ये है अंकल ब्राइड के फादर ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये रहा साउंड मैनेजर, उसका मुंह देखो सरा हुआ आलू जैसा लग रहा है, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उसको बेचारा। ये सब ब्राइड के साथ के हैं रिलेटिव्स जो ब्राइड को छोड़ने आया था। ये देखो आंटी भाभी नानी सब है यहाँ पे, सब हम लोगों के साथ के ब्राइड के साथ के लोग हैं। हमसे जल्दी ही नहीं फर्स्ट ऑफ प्रेजेंट मसाना करें। खत्म हो चुका है, खाना खाने के लिए जा रहे हैं। गिफ्री नहीं मैं कर रखा तो
ये देखो सबसे फर्स्ट ब्राइड के साइड के लोगों को खाना खिलाया जा रहे हैं। हम सब ब्राइड के तरफ से आए हैं। ये देखो हर कोई खाली प्लेट लेके वेट कर रहे हैं, खाना आया नहीं अभी तक। आके पहुंच चुके हैं, हर कोई खाना स्टार्ट भी कर दिया है ये देखो। लेकिन मुझे भूख अच्छे से नहीं लगा, फिर भी खाना पड़ेगा क्योंकि ब्राइड के साथ के लोगों को सबसे पहले खाना खिला रहे हैं, क्योंकि हर किसी को घर जाना है। इसलिए ब्यूटीफुल लेडीज़ों को देखो, खा पी के एक्सप्रेशन देखो उन लोगों का, एकदम पेट मोटा करके खा के जमा पड़ा है। मस्त जवान लड़के लोग, बहुत सुंदर सुंदर, अनेक सुंदर। मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के मुझे खुद को थोड़ा सा हंसी आ रहे हैं, क्योंकि 90s का मूवी के गाने का म्यूजिक जैसा लग रहा है। डांसिंग सिंगिंग सब कुछ चल रहा है अंदर। फिलहाल मुझे जाना होगा। मैरिड कपल डांस कर रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है दोनों डांस करके। ये है सिस्टर के हस्बैंड के गांव और वो रहा घर जहां शादी अटेंड करके आए हैं। तो शादी ख़त्म ही हो चुका है, तो खाना खा के अभी आ गए हैं रास्ते पे। तो कुछ देर बाद जाऊंगी दीदी लोग के घर पे। तो सिस्टर ब्राइड ने बोला कि अगर हो सके तो इवनिंग को आने के लिए, तो देखते हैं आ सकते हैं तो आएंगे, नहीं तो वहाँ पे ही रहेंगे। शादी ख़त्म करके खा के आ चुकी हूँ अभी, फ्रेश एयर खा के। गर्मी होने से भी गांव का हवा तो एकदम नेचुरल है, तो बहुत ही अच्छा लगा। सिस्टर के लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो सिर्फ मेरा सिस्टर नहीं थे, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड जैसे थे। तो उसको खुश देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। शादी अटेंड करने के बाद आके पहुँच चुके हैं दीदी लोगों का घर, ये रहा। तो यहाँ पे आज रुकेंगे, मैं कल जाऊँगी। ये है उन लोगों का गांव, ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ पे शादी अटेंड करके आए हैं, पास में ही है। तो शादी अटेंड करके आ चुके हैं, तो
लोग के घर पे आके पहुंच चुके हैं। ये देखो, अगर पॉसिबल हुआ तो इवनिंग को जाऊंगी ब्राइड को मिलने फिर से। अभी आया तो वो रुकने के लिए बोला था और थोड़ी देर, लेकिन रुकने का मन नहीं हुआ, थोड़ा रेस्ट करने का मन हुआ तो आ गए हैं। ये तो हमारा सिंह ना मेरे तरफ से जो